खबर शिवपुरी से, जहां आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी ने प्रदेश नेतृत्व के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष अशोक ठाकुर के साथ सभी साथियों ने मिलकर आज 21 अप्रैल 2022 को आरटीई में भुगतान में आ रही परेशानियों को लेकर डीपीसी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। अशोक ठाकुर ने बताया कि हमारी आरटीई की फीस सरकार के द्वारा 80% डाली जाए, जिससे हम अपने स्कूलों का संचालन कर सके, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल बाद भी स्कूलों को बंद रखा गया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी से श्रीनिवास उपाध्याय, महिपाल अरोरा, विनोद शर्मा, शशि भूषण गौड़, लखन अवस्थी, प्रवीर श्रीवास्तव, पप्पू सर, हेमंत गुरु, विकास शुक्ला, राधा मोहन श्रीवास्तव आदि अन्य स्कूल संचालक शामिल हुए। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला था जिसको लेके आपको ज्ञापन दिया? सर, मामला है जो हमारी आरटी की जो फीस है, पिछले कई स्कूलों की तो 3-3 साल की फीस अटकी हुई है। मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जिनकी 2 साल की फीस बाकी है, तो हम ये चाहते हैं कि जिन स्कूलों की 2-2 साल की फीस बाकी है, तो शासन अगर पूरी फीस रिटर्न नहीं कर पा रहा है स्कूलों को या दे नहीं पा रहा है, तो कम से कम उसका 80%, 70%, 75% जो भी एक लमसम अमाउंट है, कम से कम वो तो स्कूल संचालकों के खाते में डाल दिया जाए, जिससे वो कम से कम अपना काम कर सकें। काफ़ी सारे स्कूल वाले साहब 2 साल के कोरोना के पीरियड से बाहर निकल के आए हैं, उन्हें स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए शासन से हमारा अनुरोध है कि जो आरटी की फीस बाकी पड़ी हुई है उसको एज सून एज पॉसिबल उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाए।